मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का अयोध्या महानगर संयोजक हूँ, दुनिया का खादी हूँ सरकार की। अब ये कैसा आपका रोजा इफ्तार यहाँ पे हो रहा था? ये रोजा इफ्तार है हमारे मखदूम शेख शमसुद्दीन फरियाद रहमतुल्ला का, हर साल में 14 तारीख को रोजा इफ्तार यहाँ कराया जाता। आप हिंदू मुसलमान की एकता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आप अयोध्या में हिंदू मुस्लिम एकता है और एकता बनी रहेगी, कभी आपस में भाईचारा नहीं बिगड़ेगा। मेरा नाम मोहम्मद अतीक खान उर्फ बाबा। या स्थान का क्या नाम है? शमसुद्दीन फरियाद रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अव्वल है। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि रोजा क्यों मनाया जाता है, जो आप लोग ये जो है रोजा तारी करते हैं, क्यों मनाया है? रोजा जो है ये अल्लाह का फर्ज है, अल्लाह की तरफ से उतरा। एक महीने का रोजा मैं रखता हूँ रब की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए मैं एक महीने का रोजा रखता हूँ। और ये रोजा रखने से इंसान को भी फायदा होता है कि एक महीना रोजा रखता है, दिन भर कुछ नहीं खाता, शाम को इफ्तार करता है, उसके जिस्म की गंदगी दूर होती है रोजे रखने से, और हमारे फायदे के लिए भी है, अल्लाह की रजा के लिए भी है। आप हिंदू मुसलमान की एकता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हम हिंदू मुसलमान की एकता के लिए कहना चाहते हैं, हम सब एक है, आपस में मिलजुल के रहते हैं, अयोध्या में हम सुकून है और हम लोगों में कोई इख्तलाफ नहीं ना, हम लोग रात में आते हैं दिन में आते हैं, कभी कोई नहीं ना, हम जो भी कोई प्रोग्राम करते हैं हमारे हिंदू भाई अधिकतर उसमें शिरकत करते हैं और उसमें मिलजुल के हिस्सा लेते हैं और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाते हैं। ये आपका रोजा कब तक चलेगा? ये हमारा रोजा एक महीने का होता है जिसमें 15 दिन निकल गया है, 14 दिन निकल गया है और ये 15 दिन या 16 दिन लगभग ये चलेगा, और चांद निकलने के बाद फिर हम लोग ईद मनाएंगे और रोजा हमारा खत्म हो जाएगा।